सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एटमॉस्फेयर में बहुत चेंज आ गया है एंड दो दिन पहले बहुत हैवी स्नो गिरी थी। सो यू कैन सी ऑन माय बैक इट्स स्नो पूरा ब्लैक एंड वाइट हो गया है। सो बेसिकली आप अगर मेरे जैसे फुट वॉकर हो यानी पैदल चलते हो तो आपको थोड़ी केयर हमेशा रखनी चाहिए स्नो में कि कभी आप फिसल ना जाओ। अगर आप फिसल जाओगे तो आपको इंजरी हो सकती है और ठंड में लगता भी बहुत है। एंड दूसरी प्रिकॉशन के बारे में बात करेंगे इस ब्लॉग में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्नो होती है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हो, तो गवर्नमेंट सिर्फ ये फुटपाथ और रोड वो दो एस्पेक्ट ही क्लियर करती है। एंड अगर आप हाउस ओन करते हो तो आपको हाउस के आजू बाजू की जो भी स्नो हो वो आपको खुद क्लीन करनी होती है। नो गवर्नमेंट विल कम। सो हैवी स्नो के दौरान जो रोड में होती है वो स्नो मोबाइल आती है और क्लीन करके जाती है। एंड ये सब भी गवर्नमेंट के अंदर आता है, बाकी सब आपको क्लीन करना होता है इफ़ यू ऑन अ हाउस। अपार्टमेंट में रहोगे तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं आएगा। सो ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन था। एंड जैसे आप देख रहे हो तो यहाँ पे नॉर्मल रोड है अभी, बट एक थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है, ये जो स्नो है ये जम जाती है। एंड जैसे ये जम जाती है तो ब्लैक आइस फॉर्म हो जाती है। एंड जैसे वो ब्लैक आइस फॉर्म हो जाएगी तो इट्स टू स्लिपरी। अनटिल अंडर स्नो है यू हैव नो इश्यू, बट जैसे ब्लैक आइस फॉर्म होगी इट्स टू डिफिकल्ट टू वॉक। तो आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ऑन द रोड और फुटपाथ यू हैव टू वॉक ऑन द स्नो। फिर ब्लैक आइस अगर जब फॉर्म हो जाती है, ये फॉर एग्जाम्पल ये है, तो ये जम जाएगा और ये एकदम आइसी सरफेस हो जाएगा और बहुत स्लिपरी हो जाएगा एंड दैट विल बी ब्लैक आइस। तो आपको ऐसे स्नो में वॉक करना है इंस्टेड ऑफ आइस या तो फिर क्लीन रोड हुआ, क्योंकि बहुत स्लिपरी हो जाता है एंड इट्स टू डिफिकल्ट टू वॉक। सो दैट्स द मोस्ट सो ये प्रिवेंटिव स्टेप आपको हमेशा लेना है कि आप हमेशा अगर ब्लैक आइस हो तो स्नो में चलो एंड अदरवाइज अच्छे रोड पे चलो जहाँ ब्लैक आइस ना हुआ हो। सेकेंड थिंग इज़ आप अच्छे विंटर शूज़ लेके आए प्लीज़। बहुत सारे लोग ऐसे चला देते हैं कि विंटर शूज़ नहीं है, चल जाएगा, हमको बाहर नहीं जाना होता है, लेकिन विंटर शूज़ इज़ मस्ट, क्योंकि अगर आप वो ऑन करोगे तो आपको ज़रा सा भी रिस्क नहीं होगा गिरने का। एंड स्नो में कभी भी बस पकड़ने के चक्कर में दौड़ना मत। अभी आप देख रहे हो इधर रास्ते में गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉपरली क्लीन नहीं किया है। सो यू कैन सी हियर रास्ता है ही नहीं बराबर, यहाँ प्रॉपर पूरा फुटपाथ है बट तो ये स्लीपर ही हो जाता है एंड टू डिफिकल्ट टू वॉक। अभी मेरे पास नो शूज़ है तो मैं दौड़ भी सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं आएगी, बट इफ़ आई डोंट हैव स्नो शूज़ आई विल फॉल डाउन, स्लीपर ही हो जाएगा तो मैं स्लिप खा के गिर जाऊँगा। टू डिफिकल्ट, यहाँ पेड़ भी है और रास्ता भी छोटा सा है, टोरंटो में ये हालत है। देखो स्लिप खाते खाते बच गया। सो बेसिकली ये है। एंड या अच्छे विंटर शूज़ लाओ, ग्रिप हो, वुड टिम्बरलैंड के आते हैं 150 अराउंड, वो लेना तो लो, अदरवाइज वॉलमार्ट में भी मिलते हैं। एज अ स्टूडेंट लाइफ ज़रूरी नहीं है कि आपको टिम्बरलैंड से ही लेना है। नेक्स्ट थिंग इज़ जब आप वॉक करें आपका सेकेंड स्टेप ध्यान से ले। ऐसा हो तो थोड़े अपने पास थोड़ा सेंड रखे एंड बहुत आइसी सरफेस हो तो वहाँ सेंड डाल के थोड़ा रास्ता क्रॉस कर सकते हो। ऐसा मैंने किसी ब्लॉग में पढ़ा था, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कौन सेंड उठा के घूमेगा। सो ऑन गुड विंटर शूज, पूरा बॉडी को कवर करे, ध्यान रखे क्योंकि स्नो कभी हैवी गिर जाती है। एंड आप थोड़ा ध्यान से चले एंड थोड़ा वाइड चले, क्योंकि बहुत नैरो चलोगे आप शॉर्ट डिस्टेंस में तो आप गिर सकते हो, क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट आपका कम हो जाएगा। सो यार दैट्स बेसिक केयर यू हैव टू टेक ड्यूरिंग द विंटर्स एंड प्लीज डोंट रन
बस एक आएगी दूसरी जाएगी, बस ट्रेन लड़की आपको ध्यान रखना है। ओके सो दैट्स फॉर द टुडे। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।